हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही टेस्टी स्नैक्स। इसे बनाना बहुत इजी है और ये बहुत डिलीशियस है। ऊपर से ये थोड़ा क्रिस्प दिख रहा है और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट और स्पंजी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और इसके साथ जो हमने चटनी सर्व की है ये भी बहुत डिफरेंट है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सबसे पहले हम लगभग 2.5 कप सूजी लेंगे और ये हमने 1 कप दही ली है। दही डालने से ये स्नैक्स बहुत टेस्टी हो जाता है। दही डालने के बाद अब हम वाटर डालेंगे। हम वाटर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक बार वाटर ऐड करेंगे और इसे विस्कर या स्पून की हेल्प से मिक्स करते जाएंगे। हमें इसका घोल फ्लोइंग बनाना है पर गाढ़ा हो। हम इसे लगातार 1 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करते रहेंगे। 1 मिनट मिक्स करने के बाद अगर ये सूखा लग रहा है तब इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे लगभग 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही रख देंगे। तब तक हम एक वेजिटेबल चॉपर लेंगे। आप इसे किसी भी तरह से कट कर सकते हैं। इसमें हम प्याज और हरी मिर्च और शिमला मिर्च डालेंगे। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अब हम इसे चॉप करेंगे। इसमें ये बहुत ही आसानी से चॉप्ड हो जाता है और टाइम भी बिल्कुल कम लगते हैं। थोड़ी देर चॉप करने के बाद ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से चॉप्ड हो गया। अब हमने जो सूजी भिगोई थी उसे हम ऐसे एक बार मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है। आगे हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेंगे। इसमें हम चॉप्ड किए हुए वेजिटेबल्स डालेंगे और इसमें हम चॉप्ड किए हुए टमाटर डालेंगे। आप चाहे तो टमाटर चॉपर में भी कट कर सकते हैं। और हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। आप चाहे तो इसे बिना गरम मसाला के भी बना सकते हैं, बस इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल दें। ये हम सॉल्ट डाल रहे हैं। सॉल्ट अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। विस्कर से बिल्कुल अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। हमें ये बैटर थोड़ा सूखा लग रहा है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने से इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी फ्लोइंग हो जाएगी। हम इसमें बहुत ज्यादा वाटर नहीं ऐड किए हैं, बस थोड़ा सा ही वाटर ऐड करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लोइंग हो जाए। अब इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे। आप चाहें तो इसमें इनो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। हम एक छोटी कढ़ाई या तड़का पैन लेंगे। इसमें हम लगभग 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम सरसों या राई दाना डालेंगे और इसमें करी लीव्स डालेंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से फ्राई होने देंगे। जब राई चटकने लगे तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। अब ये तैयार है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस तड़के को हम जो बैटर बनाए हैं उसमें डाल देंगे। तड़का डालने से अप्पम बहुत टेस्टी बनता है। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें इसे। हम एक विस्कर की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे ताकि पूरे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद हम इसे लगभग 1 मिनट तक लगातार मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें बबल्स क्रिएट हो जाएं। इससे ये बहुत स्पॉन्जी बनेंगे। अब एक अप्पम पैन में हम ऑयल डालेंगे सारे सेक्शंस में। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम बैटर के 1 स्पून डालेंगे। हमें पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली ही छोड़ना है। हम इसे सारे सेक्शंस में भर देंगे। थोड़ा सा खाली छोड़ने से अप्पम बहुत बढ़िया बनता है। हमने मटर की भी अप्पम बनाए हैं जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से ट्राई कर लें। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। इसे हम ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे उल्टा कर लेंगे। हम एक नाइफ की हेल्प से कर रहे हैं, आप किसी भी चीज से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे बिना ढक के भी कुक कर सकते हैं। पूरे अप्पम को पलटने के बाद अब इसे फिर से ढक देंगे और 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। ये देखिए, हमारे अप्पम तैयार हैं। ये देखिए ऊपर से कितने क्रिस्प हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमने इसके साथ डेजिकेटेड कोकोनट चटनी सर्व की है। आप इस चटनी को जरूर ट्राई करें। हमारे सूजी के अप्पम बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अब हम इसे तोड़ के दिखाते हैं कि कितना सॉफ्ट और स्पंजी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट दिख रहा है और बहुत ही स्पंजी है। हमारे अप्पम बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।